सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकर श्री बलिदान भोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड सप्तशलके दीर्घ शिववाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिने कलहे कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्यो वाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलह सर्वेषु साधनम् मया त्वमेव स्नेहेन प्यम्ब स्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायणऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोकी दुर्गापाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनाम विजेतासि देवी भगवती बलादा कृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छते। दुर्गे स्मृता हरिष्य भीतिमशेषयन्तः स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। दारिद्र्यदुःखमयहारिणिका त्वदन्या सर्वप्रकारकरणाय सदा सचित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोऽस्तु ते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवे नारायणे नमोऽस्तु ते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते द्वयवस्त्राहिनो देवे दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगानशेषानपः श्रीदृष्टा वृष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् वामाश्रितानां न विपन्नराणां वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ते। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरि विनाशन। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र। ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शरणस्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सदैव। ॐ सती साधेव प्रीता भवानि ब्रह्माचने भार्या दुर्गा जया चात्या त्रिनेत्रा शूलधारिणि पिनाकधारिणि चित्रा चण्डघण्टा महातवा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताशिनी सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणि अनन्ता भाविनी भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्तारत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनि अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बरपरिधान कलमञ्जीरञ्जनी
हरे अविक्रम क्रोर सुंदरे सुरसुंदरे भरदुर्गा च मातंगे मतंग मुनिपूजित ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्रे कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराहे लक्ष्मी च पुरुषाकृति विमलात्कर्षणे ज्ञानक्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहन निशंब शंब हनने महिषासुरमर्दने मधुकैटवहन्त्रे च चण्डमण्ड विनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातने सर्वशास्त्रमये सत्या सर्वश्रधारणे तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारणे कुमारी चैककन्या च कैशोरी यवदेहदे अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशे गौररूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखे कालरात्रिसवस्वरे नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया धनोदरे शिवरौद्रे कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने च धावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मभाजने यादिदं रमते नित्यं दुर्गा नाम सदाशिवम् नासाध्यं विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वते धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिनमेवत चतुर्भर्गं तथा चान्त्यलभेन् मुक्तिं च शाश्वते कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं भोजयन् बलया भक्त्या पठे नाम सदाशिवम् तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वे सर्वले लभे राजानो दासनां जान्ते राजा श्रियमवाप्नुयात् घोरोचनालक्तकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलङ्घयन्त्रं विलिना विदिज्य भवे सदा धार्यते पुराले भौमावास्या निशामग्रे चन्द्रे सद्विशाङ्गले विलख्य प्रमणे स्वर्णसामले सर्वदा प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवगुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो भी भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसे लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपके अवधि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है।
दल लाभ होते ही उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती ही, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही, दीर्घायु को प्राप्त होते ही, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मजगजन्य मजगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच। ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनष्टमछन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोत्तमतरभेजम् दृगबन्धदेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्भावीत्यर्थे सप्तशले पाठाङ्गत्वेन यमे विनियोगः। ॐ नमः शण्डिकायै मालकण्ठेरुवाच। ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षकरन्मन जनकस्य शिलाख्यातं तन्मे गृहे पितामह ब्रह्मवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् निर्व्यासोगा चम्पन्नम् तस्य भक्ष्वा महामुने रथवंशैलपुत्रे च द्वितीयम् ब्रह्मचारिणे तृतीयम् चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमम् स्कन्धमात्रेति षष्ठम् कात्यायनीति च सप्तमम् कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमम् नवमम् सिद्धिदात्रे च नवदुर्गः प्रकीर्तिता। उक्तानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अग्निनो दशमानस्तु शत्रुमध्ये गदारणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्थः शरणम् गताः। न तेषाम् जायते किञ्चित् अशुभव्रणसङ्कटे न परम् तस्य पश्यामि शोकदुःखभयम् न हि ज्येष्ठभक्त्या स्मृता नूनम् तेषाम् नित्ये प्रजायते ज्येष्ठाम् सवन्ति देवेशे रक्षसेता न संशयः रेतसंस्थातु चामुण्डा बालायै महिषासना नैन्द्रिकयसमारूढा वैष्णवे गरुडासना माहेश्वरे वृषारूढा कौमारी शिखिलाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिल्या श्वेतरूपधरा देवी ऐश्वरे वृषवाहना ब्राह्मे हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता वित्तदामातरः सर्वः सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाजा नानारत्नापशोभिता ऋषन्देरथमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुला शङ्खचक्राङ्गदां शक्तिफलं जामसलायदम् केटकं दामरं चैव पशुं पाशमेव च कुन्तायुधं दुशूलं च शारङ्गनायुधमुत्तम दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्रायुधा नित्यं देवानां महिलाय वै नमस्ते सोमहारौद्र महाकाल पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवि दत्तरक्ष शत्रूणाभयवर्धने प्राचारक्षतमामेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेव च बालाय नैरत्याम् गर्गधारिणे हृदेर्चाम् वारुणे रक्ष वायव्याम् मृगवाहिने उदीर्चाम् बाजकौमारे ऐशान्याम् शोलधारिणे ऊर्ध्वम् ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्ताल्लक्ष्मवे तथा एवम् दशदिशो रक्ष चामुण्डा शववाहना जया मे चाकृतः पातु विजया पातु प्रशिलः हयता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतने रक्ष उमामूर्ते व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षे यशस्विने त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा जनाशिके शङ्खने चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोद्वारवाचने कपालोकालिका रक्ष कर्णमूले तु शङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोश्चेत् चर्चिका
अदरेतामृत कला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् लक्षत कोमाले कण्ठदेशे दण्डिका घण्टिकां चत्र घण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी जिवकं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीलग्रीवा वहे कण्ठे नलिकां नलकोमले स्कन्धयोर्गणे रक्ष वारो मे वज्रधारणे हर्ष्यादण्डने रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेशु च नगाचोलेश्वरे रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरे स्तनलक्ष्ये महादेवे मनः शोकविनाशने हृदयलिता देवे हृदयशोलधारणे नाभवचकामिने रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरी तथा भूतनाकामिकामेदं कुले महिषवाहिने कल्यां भगवती रक्ष जानने विन्ध्यवासने जङ्घे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायने दुर्भयोर्नालसिङ्गे च पादभिश्चेतुतेजसे पादाङ्गुलेषु रक्ष पादादस्तलवासने नगान्तश्राकराले च केशाञ्चेवार्धकेशने रामकोपे च कोवेले त्वचं भागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामासान्यस्य मेधांसि पार्वते अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरे पद्मावति पद्मकोशे कभे चूडामनिष्ठता ज्वालामुखेन गर्जालामवेद्या सर्वसन्धिश शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां क्षत्रेश्वरे तथा अहङ्कारं मनोबुद्धे रक्ष मे धर्मधारणे प्राणापाना तथा व्यानम् उदानं च समानकम् भज हस्ताश्च मे रक्ष प्राणम् कल्याणजौवन रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्वर्षे च योगिने शत्रारजस्तमस्येव रक्षे नारायणे सदा आयो रक्षतु वाराहि धर्म रक्षतु वैष्णवे जजा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणे भोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशोन्मे रक्ष जन्निके पुत्रां रक्षे महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवे वन्दानां सवता रक्ष मार्गं क्षेमकरी तदा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं त्वयस्थानं वर्जितं कवचेन तत्सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ति पापनाशिने परमेकं न गच्छेत् जतेच्छेषुमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजया सर्वकामिका जन्यं चिन्तयते काम तन्त्रं प्राप्नोति निश्चलं परमेश्वर्यमलं प्राप्स्यते भूतले भवान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेश पराजितः वेलोके सुलभे गोच्य कवचेनामितः भवान् इदं द्रोदेव्यः कवचं देवानामभिधर्मम् ज्ञापयुर्भयतो नित्यं त्रिसन्ध्यसत्यायुषः देवी कलाबले तस्य त्रैलोकेश पराजितः जीवेर्वर्षतं साग्रम् अपवित्रमिवर्जितः नश्यं देव्यादयः सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विष अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले गोचराकेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतमिशाचाश यक्ष गन्धर्वराक्षस ब्रह्मराक्षसवेतालः कूष्माण्डा वैरवादयः नश्यन्ति दर्शनार्थस्य कवचे हृदि संस्थिते मानानचर्वैराग्यस्तेय वृद्धे करम्परम् जसदा वर्धते सापि कीर्तिमण्डितभोदले जपे सप्तजते चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं यावत्तिष्ठति मे दिन्यां सन्ततिः पुत्रमातिके देहान्ते परमस्थानं यत्सरेण विदुर्लभम् ब्रह्मणाति पुरुषाणित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमरूपं शिवेन सहते अथ अर्गलस्तोत्र ॐ अस्य श्री अर्गलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्विषये
अनुष्टुभ छन्दः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बादेतये सप्तजलीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मालकण्डेरुवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनि दुर्गाक्षमाशिवादत्रि स्वाहा सदा नमोऽस्तु ते जय त्वन्दे विचामुण्डे जय भूतातिहारिणि जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते मधुकैटवमित्रावि विधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि मयि चाचरणेनाति भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि रक्तमीजापदे देवि चण्डमण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि शुम्भस्य मनुशुम्भस्य दुम्भाग्रस्य समर्दिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रु विनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितावहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि सुमध्या भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि चण्डिके सततं यत्त्वमर्चयन्ति य भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि विदेहि दुहितं नाशं विदेहि फलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमांशिव रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि सुरासुरशिररत्ननिकृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनगुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि प्रचण्डदैत्यदर्भग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संसुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि कृष्णेन संसुते देवे शश्वभक्त्यासनाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि हिमाचलसुतानाथ संसुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि इन्द्राणि परिसद्भाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि देवे प्रचण्डदोदण्ड दैत्यदर्पविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि देवे भक्तजनोदाम दत्तानन्ददेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि कदुणे मनारमां देहि मनोवृत्तानुसारिणे वारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नर साधु सप्तशति सङ्ख्या परमाप्नोति सम्पदा अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः अणुषभछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन यपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयुवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाब्ददारिणे सर्वमेतद्धियानीयमन्त्राणाम विकीलकम् स्वक्षेममवाप्नोति सततं व्याप्य तत्परः श्रीत्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलानपि
एतेन सुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रमौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विराजापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामनः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वेचण्डिकाया श्रोतस्य कर्तं चकारसः समात्रेण च पुण्यस्य तायतावन्नियन्त्रणम् स्वपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न सञ्चय कृष्णायामचतुर्दश्यमष्टम्यावसमाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रसीदते इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीर्तितम् योनिशीलाम्बिदायेन नित्यं जगति सद्गुणम् स्वसिद्धा सगना सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न सेवाप्रतस्तस्य वयं कापि यजायते नापमृत्योपचर्याति मृतो मोक्षमवाम्यात् यात्रा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यते तदा ज्ञातेव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते मुदैः स्वभाग्यादिकिञ्च दृश्यते ललनायने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन याप्यमिदं शुभम् शने स्वयाप्यमानेऽस्मिन् सूत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्र साधेन सौभाग्यराज्ञसम्पदः शत्रुहानि परमोक्ष श्रूयते सा न किं जनैः श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र ऐ गिरिनन्दिनि नन्दिनमे दिनि विश्वविनाशिनि नन्दनुमे गिरिवरविन्यतिरादिनिवासिनि विश्वविनाशिनि जयन्ते भगवति ये जति कण्ठकुटुम्बनि भोरि कुटुम्बनि भोरि कृते जय जय हे मरुदासुरमर्दनि रम्यकपालिनि जयन्ते ङ्गर सर्वदृङ्गे चतुरङ्गमला
Jorare, Borota, Dorota, Papa, Borote,
और अंतरिक्ष का लास्ट पेज नंबर 30 माँ से क्षमा प्रार्थना है। अक्षमा प्रार्थना अपराध श्रेयते दासायमिति नामस्व क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से वाणी निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बंधु भक्तजन साधक जन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस मजग जन ने जगत माता के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत
माँ से प्रार्थना करते हैं अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए। माँ भगवती का श्रवण करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि में रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे द्रवान। तो वास्तव में माँ दुर्गा इस सृष्टि की आदि शक्ति है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर इन्हीं की शक्ति से संपन्न होकर के इस सृष्टि का इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य करते हैं। अन्य अन्य देवगण भी इसी माँ भगवती की शक्ति से शक्तिमान होकर के अपना अपना कार्य करने समर्थ होते हैं। माँ भगवती दुर्गा के नौ रूप हैं और वह नौ रूप जो हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। प्रथम शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चंद्रघंटे कुशमांडे चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रिति महाघोरेति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रि च नव दुर्गा प्रकीर्तितः। बोलो दुर्गा माता की जय। जी माँ दुर्गा के नौ रूप हैं। दुर्गा दुर्गति नाशने, माँ दुर्गा जो है ये दुखों का नाश करने वाली ही, सुखों को देने वाली ही, सब विपत्तियों को दूर करने वाली है, सब ओर से रिद्धि सिद्धि को देने वाली है। पर जो भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से इस माँ जगजननी जगत माता की शरण धोकर के माँ भगवती की आराधना करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, यकीन मानिए जो माँ उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार करती है और उनके जीवन अद्भुत चमत्कार होते हैं और इस प्रकार से उनकी समस्त मनोवलक्षित कामना पूर्ण होती है। वह जहां जहां जाते हैं उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं। वहां वहां उन्हें यश, उनका मान, उनकी कीर्ति जो है वह अटल बनी रहती है। जीवन में कभी को जो है कहीं कोई काला धब्बा नहीं लगता। इस तरह से वह साधक जन लोक में जो है सब सुखों का भोग करते हुए उनका परलोक भी जो है कल्याण में हो जाता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य चाहिए। इस माँ भगवती कल्याणमय की कल्याणमय देवी की उपासना ये अवश्य करनी चाहिए। जो भगवती शक्ति की उपासना जो है समस्त देवगण, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मानव, ऋषि मुनि, दैत्य सभी जो शक्ति उपासना करते हैं, दैत्य भी जो भगवती की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, तब करते हैं। आप जानते हैं जब मधुकेतु का प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने देखा कि हमारी जननी कौन है, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, तो उस समय उन्हें आकाशवाणी हुई कि तब करो। तब मधुकेतु दोनों विचार करते हैं कि भगवती जो है आदि शक्ति जो है हमारी जननी है, हमें उसी की आराधना करनी चाहिए। तो दोनों भाई जो थे उन्होंने शक्ति की उपासना की तब के बहुत समय तक और मां ने उन्हें जो है साक्षात वरदान दिया, दर्शन दिया और साक्षात उन्हें जो है दर्शन दिया और वरदान दिया।
वरदान क्या दिया कि शय मृत्यु का, कि जब हम शय करें तो ही हमारी मृत्यु हो, नहीं तो हमें कोई युद्ध में पराजित न कर सके। तो मानव से दोनों को जो शय मृत्यु का वरदान दे दिया, परंतु जो है कहते हैं जब व्यक्ति शक्ति संपन्न होता है तो उसको अहंकार अभिमान आ जाता है, और अभिमान जो है जीव विनाश का कारण होते ही। जब मनुष्य के अंदर अहंकार आता है, चाहे कोई भी है, अहंकार आते हैं तो उसकी बुद्धि उसका विवेक जो ठीक प्रकार से काम नहीं करता। धन शक्ति प्राप्त होती है तो धन का धन शक्ति का अभिमान हो जाता है, मैं तो इतना धनवान हूं। कोई भक्ति करता है और भक्ति शक्ति से संपन्न हो जाता है तो मैं तो इतना बड़ा भक्त हूं, मैं जो कहता सब सत्य हो जाता है। शरीर शक्ति संपन्न है तो उसका अहंकार आ जाता है, दूसरों को दुख देना शुरू कर देता है, मैं तो मेरा तो कोई कुछ कर नहीं सकता, सबको भय देता है, दुख देता है, जैसे रावण कंस, जो कोई ऐसा नहीं था जो पढ़े लिखे नहीं थे, सब विद्वान थे, कंस कोई अनपढ़ नहीं था, रावण कोई अनपढ़ नहीं था, दुर्योधन अनपढ़ नहीं था, एक ही गुरुकुल में जो है, चाहे वह पांडव थे चाहे कौरव थे, एक ही गुरुकुल में रह करके एक ही उन गुरुओं से आचार्यों से ज्ञान प्राप्त किया था, परंतु अहंकार के कारण से विवेक बुद्धि जो है वह ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाए, तो अंत में हुआ क्या, विनाश। रावण जो है जिसे चार वेद कंठस्थ थे, शिव शास्त्र कंठस्थ थे, इतना विद्वान जो था, तो भी इतना अहंकार हुआ शक्ति का, और रावण ने भी भगवत की आराधना की, शक्ति की उपासना की, जिस सब प्रकार की शक्तियों को देने वाली जो भगवती है, उन शक्तियों को रावण ने प्राप्त किया, उन शक्तियों को भगवान शिव ने प्राप्त किया, हनुमान ने उन शक्तियों को प्राप्त किया। जिस शक्ति जो है क्या होती है कि मनुष्य अपना रूप जो है बदल लेता है, अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देना, बिल्कुल छोटा रूप धारण कर लेना, विशाल का है, बहुत बड़ा रूप धारण कर लेना, अणिमा महिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईश्वत वशित्व, ये आठ प्रकार की सिद्धियां बतलाएगी। किसी को वश में कर लेना, मारे उसने तो उस व्यक्ति को वश में कर लिया जो कहता उसकी बात मानता है, इन सिद्धियों को देने वाले जो भगवती है। ब्रह्म विवर्त पुराण में जो है ये सिद्धि जो है 18 प्रकार की बतलाई गई है, मार्कंडे पुराण में ये 8 प्रकार की सिद्धि बतलाई गई है, उन सिद्धियों को देने वाली यही भगवती है। भगवान शिव ने इस भगवती की आराधना की सिद्धि को प्राप्त किया, और फलस्वरूप भगवान शिव का वाम भाग जो था, आधा शरीर जो है नारी का हो गया, शक्ति का हो गया, जिस भगवान शिव जो है संसार में अर्ध नारीश्वर कहलाए। हनुमान ने इन शक्तियों को प्राप्त किया था जिस समय लंका में प्रवेश किया था, तो हनुमान जी ने कहते कि बिल्कुल लघु रूप मच्छर जितना रूप जो था वह धन कर करके लंका में प्रवेश करके, जिसमें अशोक वाटी में गए, मां सीता से मिले, तो वहां पर जो है उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, भगवान श्री राम का संदेश दिया, तो जो है मां सीता से कहने लगी कि जिस प्रकार से ये तेरा जो रूप है, जहां पर जो राक्षस जो है ऐसे से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, इनके साथ युद्ध करना संभव नहीं है, और फिर जो आपकी जो बैनर सेना होगी वो तो तुम्हारे जैसे ही बैनर होंगे। उसने कहा कि मां ऐसी बात नहीं है, जो रूप जो है मेरा रूप जो है, जैसे जो राक्षस अपने रूप बदल लेते हैं, हमारे पास भी वो शक्ति है, हम भी रूप बदल लेते हैं। तो कहते उस समय अपना विराट रूप जो था हनुमान जी ने एकदम विशाल का बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया,
सीता माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहते कि जिस समय लंका का उसने विध्वंस किया, लंका को ही जला दिया, और जो है कहते हैं कि जब वहां पर रावण की जो सेविका जो थी, जो अशोक वाटिका में सीता के पास रखी गई थी, उन्हें संदेश दिया, जो बानर जो था जिसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, जो जहां पर इसके पास मिलने के लिए आया था, उसको जो है रावण ने जो है सजा दे दी है कि इसकी पूंछ में जो है आग लगा दी जाए, कपड़ा बांध के पूंछ में आग लगा दी जाए। तब माँ सीता घबराई और उस समय प्रार्थना करती है अग्निदेव से, क्या ब्रह्मा का आशीर्वाद जो है बड़ी अद्भुत शक्ति होती है उसमें। माँ जगजन्य जो है प्रार्थना कर रही अग्निदेव से, मैंने जो भी तप किया है, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, जब मेरी प्रार्थना स्वीकार हो और अग्निदेव जो शीतल हो जाए, मेरे हनुमान पुत्र को अग्नि का कोई प्रभाव हो ही नहीं, ऐसी प्रार्थना समय अशोक वाटिका में जो है माँ सीता ने की हनुमान जी के लिए। पूछ में आग लगा दी, जिस हनुमान जी के पूछ में आग लगाई, उस हनुमान जी ने पूरी लंका को ही आग लगा दी। लंका को जला करके पूछ बुझा करके समुद्र में वापस लौटे, उस हनुमान का बाल भी भांका नहीं हुआ। माँ मैं आ गया हूं, इसलिए वापस आया हूं आपको बताने के लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप चिंता मत करना, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है और जितने इनके दुर्गम हैं मैंने सब देख लिया, इसलिए मैंने तो परीक्षा की है पूरी लंका की, कहां कहां क्या क्या है, रावण ने कहां पर क्या क्या कैसे कैसे दुर्गम का निर्माण जो किया हुआ है, वह सारे द्वार जो है मैं देख चुका हूं, सबको आग लगा दी है, अब शीघ्र ही आकर के जो है लंका का विध्वंस करेंगे और जो है रावण का वध करके प्रभु श्री राम के द्वारा जो है रावण का वध होगा और जो है फिर आप पुनः जो है भगवान श्री राम के साथ आपका मिलन होगा। बोले सच्चे दरबार की जय। तो ऐसे जो हनुमान जो है जिन्होंने सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त की थी, तो इन सिद्धियों को देने वाली जय भगवती ही। तो समय माँ सीता ने जो है हनुमान जी को चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया था कि जहां पर मैं आपको क्या दू आशीर्वाद देती हूँ, तो कहते हैं कि हनुमान आज भी चिरंजीवी है। अश्वत्थाम भरिव्यासो हनुमान विभीषणा कृपा परशुरामच सप्तेते चिरंजीविना, जे सात चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा बलि राजा बलि जो है व्यास, अश्वत्थाम भरिव्यासो हनुमान विभीषणा, हनुमान और विभीषण, विभीषण को भगवान का जो है जो चिरंजीवी का आशीर्वाद है, जे भक्ति की अद्भुत शक्ति है। कृपा परशुरामच कृपाचार्य और परशुराम जो चिरंजीवी कहते हैं, आज भी किसी ना किसी रूप में किसी को किसी भाग्यशाली को दिखाई देते हैं। इस प्रकार से जी इसी भगवती की उन पर जो कृपा थी, आज जो है इस समय गुप्त नवरात्र चल रहे, गुप्त नवरात्र का आज अंतिम नवरात्र है जी, माघ शुक्ल पक्ष की नवमी ही, और नवम नवरात्र जो है नौमा स्वरूप जो है माँ भगवती जी, मैंने प्रारंभ में बतलाया कि माँ के जो नौ रूप है और नौ रूप में नौमा स्वरूप जो है भगवती का सिद्धिदात्री का, अर्थात सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाली। जब माँ दुर्गा जब नौ दिन साधक जन आठ दिन साधना करते हैं और नौवें दिन जो है जय भगवती जो है उन पर कृपा करती हैं, आशीर्वाद देती हैं और सिद्धियों के द्वार जो खोल देती हैं, और भगवती कृपा जो भी उन भक्तों की मनोलक्षित कामना होती है माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उनके कार्य जो है वह सिद्ध होते हैं। माँ सिद्धिदात्री जो है जे भक्तों और साधकों को जो है ये सभी सिद्धियां जो है प्रदान करने में जे समर्थ है। इस प्रकार से जे जो मैंने आपको बतलाया कि भगवान शिव ने भी इनसे सिद्धि प्राप्त की, ब्रह्मा विष्णु महेश देवगण जो है इसी भगवती इस शक्ति उपासना करते शक्ति संपन्न होते हैं, तो ही वे ब्रह्मा सृष्टि करने में, भगवान विष्णु पालन करने में और जो है भगवान शिव संहार करने में समर्थ होते हैं। इस शक्ति बिना कोई भी जो है कुछ भी करने समर्थ नहीं होता। भगवान शिव ने जहां तक कहा है कि शिव, शिव का अर्थ होता है कल्याण करे, कल्याण को देने वाला, और शिव की एक ही मात्रा हटा दीजिए तो पीछे शेष क्या बचता है, शव।
भगवान शिव कहते हैं जब मैं शक्ति संपन्न होता हूं तो शिव कहलाता हूं, अर्थात कल्याण करने वाला होता हूं सबका। और जब तक शक्ति की मुझ पर कृपा नहीं होती तो मैं क्या होता हूं? शव। शव जो देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, इस प्रकार से मैं कुछ भी नहीं कर पाता। शक्ति संपन्न होता हूं शिव कहलाता हूं, और शक्तिहीन होता हूं तो शव हो जाता हूं। इसलिए वो देवी की कृपा से ही मैं सब कार्य करने में समर्थ होता हूं। इसको प्रकृति और पुरुष जो आप देखते हैं, जे अर्ध नारीश जो भगवान शिव जो कहलाते हैं, जे पुरुष प्रकृति ही। जब प्रलय होती है तब जे एक हो जाते हैं, जब सृष्टि को प्रादुर्भाव करते हैं तो दोनों अलग होते हैं पुरुष और नारी के रूप में। फिर जैसे सृष्टि आगे प्रारंभ होती है तो इस प्रकार से जे सिद्धि धात्री सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाली ही मां सिद्धि धात्री जो है, इसकी चार भुजा है। इनका वाहन जो है सिंह है, सिंह पर जो विराजमान है, शेर के ऊपर विराजमान है, इनको पद्मासन भी कहा गया है। कमल पुष्प पद्म पर भी ये विराजमान रहती है। चार भुजा है इनकी और चारों हाथों में जो है शंख चक्र गदा और पद्म कमल पुष्प है। इस प्रकार से ऐसा जो मां भगवती का स्वरूप जो है, सबका कल्याण करने वाला, सबको सिद्धियों को देने वाला, तो आज के दिन जो है इस स्वरूप का भक्तजन जो है वह ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो सिद्धिदात्री जो है आप शरणंद भक्तों को वरदान दें, आपको आशीर्वाद दें, और आपकी जो भी मनोरथ है, आपकी जो भी मनोकामना है, आपको मनोकामना को आपकी जो है जो भी मनोवलक्षित कामना है, उन मनोवलक्षित कामना को जो माँ भगवती सिद्ध करें। और सब ओर से भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। प्रत्येक मनुष्य जो है, प्रत्येक व्यक्ति जो है, उसका जो कर्तव्य होना चाहिए कि वे शक्ति की भगवती की उपासना प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल उसका स्मरण करें। क्योंकि जो माँ का स्मरण करते, शक्ति का स्मरण करते हैं, वे निरोगी जीवन जीते हैं। उन्हें आरोग्यता की प्राप्ति होती, वे शक्ति संपन्न रहते, कभी शक्तिहीन नहीं होते। आप देखते हैं कि व्यक्ति जो है बहुत सारे ऐसे भी साधक होते हैं कि हमारा सारे जीवन भर जो है इसको कभी कोई कष्ट हुआ ही नहीं, और अंतिम श्वास भी ऐसे के कि चलते फिरते जो है ऐसे लोग पुण्यात्मा होते हैं। इस संसार में रहते हुए निरोगी जीवन जीते हुए उनके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और पुण्य कर्म करते हुए और अंत में जो है इस प्रकार जाते हैं, हमारा ये व्यक्ति तो सीधा स्वर्ग में गया है। जीवनों का कष्ट हुआ नहीं, कोई रोग नहीं हो, कोई विपत्ति में फंसा नहीं, और परिवार भी जो है आज्ञाकारी था। जो परिवार आज्ञाकारी है, जिस घर में जो है बड़े बुजुर्ग जो है मान सम्मान को प्राप्त करते हैं, निरोगी है, तंदुरुस्त है, घर में सुख शांति है, कोई कलह नहीं है, क्लेश नहीं है, जिस घर में प्रतिदिन माँ की प्रातः काल सायंकाल जो जगती है, माँ की आरती होती है और परिवार में सभी प्रेम से रहते हैं, ऐसे घरों को देख करके जान लेना चाहिए जे पुण्यात्मा है। इन माँ को पूर्व जन्म ही प्रसन्न किया है और इस जन्म भी जो है इस वंश में, इस घर में रिद्धि सिद्धि है और आगे भी इनका कल्याण है, जो पुण्यात्मा कहलाते हैं। इससे जिस घर में प्रातः काल सायंकाल माँ की जोत जगाई जाती है और परिवार एकत्रित होकर के जो है दोनों समय माँ की आरती करते हैं, माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन दोनों समय माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उस घर में तो कभी कोई कष्ट आ नहीं सकता, कभी विपत्ति आ नहीं सकती, कभी कोई रोग नहीं आ सकता। कभी कोई विपत्ति या रोग आ भी जाए तो उसका पता नहीं चलता आया कैसे और चला कैसे गया, क्योंकि पूर्व जन्म के कम पाप होते जो पूर्व जन्म कृत पापम व्याधि रूपण संस्था, पूर्व जन्म के किए पाप जो है वह किसी न किसी बीमारी के रूप में, किसी न कष्ट दुख के रूप में जो है वह उपस्थित होते हैं। यदि वे साधक साधना करते हैं, भले वे कष्ट या दुख आ जाए, कोई व्याधि आ जाए तो उसका पता नहीं चलता भी आई कैसे, चली कैसे गई। इसलिए जीवन जब कोई कष्ट विपत्ति आए तो खूब भक्ति कीजिए, माँ की उपासना कीजिए, मंत्र जप कीजिए, तो आपको कष्टों का पता नहीं चलेगा। क्योंकि मंत्र जब से जो है पापों का नाश होता है, जब पाप नष्ट होते हैं तो व्यक्ति के जीवन सुख आता है, सब कष्ट दूर होते हैं, रोग से मुक्ति मिलती है। इसलिए जब भी कोई परेशानी हो तो प्रतिदिन जो है
भगवान की भगवती की आराधना अर्चना पूजा प्रतिदिन करने जो मैंने आपको विधि विधान बतलाया, परंतु जब कोई ऐसी विपत्ति कष्ट आ जाए फिर और ज्यादा अधिक जो तब जब तब कीजिए, खूब भक्ति कीजिए, देखिए आपका जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ भगवती आदिशक्ति इस गुहा के अंदर जो है तीन दिव्य पिंडिक रूप विराजमान है, माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, जिनके दर्शन के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सभी माँ के दरबार में आकर के इन तीनों देवियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ भगवती का मूल आधार जो है, मूल जड़ से एक ही पिंडी है, 5.5 फुट की पिंडी है, चरण चरण गंगा बहती ही ऊपर आकर के तीन शक्ति बन गए, तीन स्वरूप हो गए, उन तीनों महाशक्तियों के दर्शन है वह पिंडी के रूप में। आदि शक्ति एक ही है, अजन्मा है, निस्वरूप है, संपूर्ण जब इन्हीं का रूप है, और जिस समय सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उस समय यही भगवती जी है, ये तीन रूप में परिणत होती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में, तीन शक्ति के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, सत्व रज तम तीन गुणों के रूप में, आ ओ और माँ ओंकार के रूप में यही भगवती का प्रादुर्भाव होता है, तो सृष्टि का प्रारंभ होता है। जहां भी भगवती जब मूल जड़ से एक है, 5.5 फुट पिंडी है, ऊपर आकर के इसके तीन रूप हुए, दुर्गा सरस्वती का पाठ करते हैं इसमें तीन चरित्र हैं और तीनों देवियों की आराधना बतलाई गई है। इसमें पहले चरित्र में महाकाली का स्मरण है सबसे पहले, दूसरे चरित्र में जो है माँ भगवती माँ लक्ष्मी का स्मरण किया गया है, स्तुति की गई, और तृतीय चरित्र में माँ सरस्वती, माँ के जब दर्शन करते हैं इस गुफा के अंदर और पंडित जी जब माँ के दर्शन करवाते हैं, वह भी सबसे पहले महाकाली के दर्शन करवाते हैं। क्यों? महाकाली जो है यही शत्रु का नाश करने वाली, रोगों से मुक्ति देने वाली है, शत्रु विजय दिलाती है, निरोगी जीवन देती है, तो सबसे पहले हमारा जीवन, हमारा शरीर जो है निरोगी होना चाहिए, हमारे अंदर जितने जो दोष हैं, जो अवगुण हैं, ये माँ भगवती शत्रु क्या है, ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मत्सर्य आदि यही शत्रु है, इन शत्रु विजय दिलाने वाली ये भगवती महाकाली है। महिषासुर और निर्ना से भक्तानां सुखदे नमः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जेहि, महिषासुर का नाश करने वाले और भक्तों को सुख देने वाली वे माँ हमें रूप दे, जय दे, यश दे, हमारे काम क्रोध शत्रु का नाश करे, इसलिए से प्रार्थना की जाती है। अभी अपने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र द्वारा माँ की स्तुति की कि हमारे जो शत्रु जो है, जो महिषासुर क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है, यही तो महिषासुर है, तो इस प्रकार से ये हमें सुख दे और हमारे इन शत्रु का नाश करें, तो सबसे पहले जो भी हमारे अंदर जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, जो भगवती महाकाली जो है उन दुर्गुणों का नाश करती है, शक्ति देती है। फिर जो है महालक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, मां प्रसन्न होकर के हमें धन लक्ष्मी का वरदान देती है। फिर मां सरस्वती से प्रार्थना की जाती है, भगवती हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे, विद्या बुद्धि का वरदान दे, विवेक दे। मां सरस्वती जब कृपा होती है, तीनों देवियों की जब कृपा होती है, फिर मनुष्य के जीवन में किसी चीज की कमी रहती नहीं, बस शरीर से भी तंदुरुस्त रहता है, निरोगी जीवन जीते हैं, धन लक्ष्य की उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती, और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से जो है उस शारीरिक शक्ति का और धन शक्ति का वह मनुष्य बिल्कुल ठीक प्रयोग करता है, सदुपयोग करता है उसका, उसको कभी अहंकार अभिमान नहीं होता, वह जानता, उसकी बुद्धि जानती है, उसकी बुद्धि से विवेक बिल्कुल ठीक निर्णय करता है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये संसार क्या है, इस आत्म तत्व का उसको बोध होते हैं जब माँ सरस्वती की कृपा होती है, मुझे करना है क्या है, मेरा कल्याण किसमें है, वही बुद्धि जो है ऐसे उसका निर्णय करती है जिसमें उस व्यक्ति का कल्याण निहित हो, तो जिसकी बुद्धि ठीक काम करती है, इसका विवेक ठीक से काम कर रहा है, उसका कभी जीवन अनिष्ट हो नहीं सकता। इसलिए ये तीनों शक्तियां प्राप्त करने के लिए माँ भगवती की साधना बतलाएगी ही, दुर्गा सरस्वती के द्वारा माँ की साधना करें, माँ भगवती के किसी मंत्र को लेकर के आप उस मंत्र का जप करें, माँ के दरबार में आकर के
इस पिंडिक रूप में, तीन पिंडिक रूप में जो है, जो तीनों शक्तियों को देने वाली ही, इसके दर्शन करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, तो इससे जो तीनों शक्तियों की मनुष्य के जीवन जो विशेष कृपा प्राप्त होती है मनुष्य को। तो ये प्राप्त करने के लिए माँ भगवती का मूल मंत्र दुर्गा सप्तशती के द्वारा माँ की साधना, तो आप सभी माँ भगवती के इस मूल मंत्र का मेरे साथ पाठ करेंगे, सब मिलकर बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, 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 सच्चिद्रवारि की जय। जी माँ भगवती जी मूल मंत्र नवान मंत्र, जो बीज मंत्र है, जिस प्रकार से एक बीज होता है उसको हम जब होते हैं तो वो बहुत बड़ा वृक्ष होकर के जो है बस वृद्धि को प्राप्त होता है, ऐसी जो बीज में अद्भुत शक्ति होती है, इस बीज के द्वारा जब साधक साधना करते हैं तो वह उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होता है, उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं। तो एम जय माँ सरस्वती का बीज है, हरेम जो है जय महालक्ष्मी का बीज है, और कलेम जय माता महाकाली का बीज है। चामुंडा माँ भगवती का नाम है और भिच्चक में माँ भगवती भक्तों को अवैध दान देती है, यही तीन शक्ति है। और इसका उच्चारण जो है, देखिए संस्कृत में जब शब्द के अंत में कोई बिंदु लगता है उसको माँ बोलते हैं, माँ का उच्चारण, बीच में जब बिंदु आता है तो उसका उच्चारण ng हो जाता है। तो एम इसमें क्या है, ये अलग अलग शब्द जो अंत में इसके बिंदु लगा हुआ है, तो शुद्ध उच्चारण क्या है, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे, ng नहीं। और जब जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, ओम के जो लास्ट में बिंदु लगा हुआ है तो आप ओम बोलते हैं, जब ओंकार आ जाते हैं तो आगे क है, कगर कवर्ग जो है, तो आगे यदि इस प्रकार से ये वर्ग आज क ख ग क ङ ये व्याकरण का विषय, तो फिर जो है उस बिंदु को माँ के स्थान पर ङ हो जाता है, तो फिर इसको क्या बोलते हैं, ओंकार, ओंकार ओम। तो इस प्रकार से एम ये अंत में क्या है इसके, एम माँ, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे, जी शुद्ध उच्चारण है, क्योंकि संस्कृत में जब अंत में जो शब्द ओम जो बिंदु लगता है उसका माँ उच्चारण होता है। तो एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे, इस प्रकार से मंत्र का जप करें और माँ के दरबार में आकर के इस पिंडी रूप में माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, तो आपके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी, इन तीनों की, तीनों देवियों की विशेष कृपा बनी रहेगी, और जिन पर माँ की कृपा हो जाती है उनके जीवन पर किसी प्रकार की कमी हो नहीं सकती, क्योंकि एक माँ ही एक ऐसी है वो सदा सर्वदा अपने बच्चों का कल्याण ही चाहती, कभी बुरा नहीं चाहती माँ। और माँ जो है जी बच्चे की पहली गुरु, प्रथम गुरु माँ ही होती, पहला ज्ञान जो है बच्चे को माँ से मिलता है। तो ये जगजन्य जगत माता ही ये जगत गुरु है, इस जगत गुरु के जो शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करते, जगत गुरु से प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन कभी किसी प्रकार कमी हो नहीं सकती, और माँ के आशीर्वाद से आपके जीवन कभी कोई कमी हो भी ना, और माँ के सदा सर्वदा माँ का आशीर्वाद आपका बने रहे, आप पर बने रहे। बोलो सच्चे दरबारे की जय। तभी भजन की बेला है, मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री जयपाल जी से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे, आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना, ताली बजाते हुए श्री जयपाल जी। जयकारा शिर बलिदान सच्चे दरबार की जय। मेरा किसे न पूछे हाल मामन काला चरना दे नाल मामन, मेरा किसे न पूछे हाल मामन काला चरना दे नाल मामन, मेरा किसे न पूछे हाल मामन काला चरना दे नाल मामन, मेरा किसे न पूछे हाल मामन चरना दे नाल मामेर किसे न पूछे आ। ताले सभी हाथ खोल कर लगाए, दिल्ली ताले नहीं, एक बार सभी भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए,
आश्रम लेकर माँ भगवती माँ भक्तों की हैजी स्वीकार करें, आपके झोलिए भरे, आपके मुरादे पूरे करें, आपका जीवन खुशी से भर दे। 40 वर्ष हाल मामन
तू बंदे क्या जाने माता के चमत्कारों को
अंधे क्या जाने माता के चमत्कार को। घर जीवन साधन करना तूफानों से क्या डरना, हाँ तूफानों से क्या डरना, तूफानों से क्या डरना। जीवन साधन करना तूफानों से क्या डरना, तूफानों से क्या डरना, तूफानों से क्या डरना। उसकी रजा में जीना, उसकी रजा में मरना, उसकी ही रजा में मरना, उसकी ही रजा में जीना, उसकी ही रजा में मरना, उसकी ही रजा में मरना। तू सुमिरन कर और जीवन भर मान जा उसके कहने माता के चमत्कारों को। तू बंदे क्या जाने माता के चमत्कारों को, तू बंदे का जाने माता के चमत्कारों को, तू बंदे का जाने माता के चमत्कारों को, तू बंदे का जाने माता के चमत्कारों को। पड़गे सहने, पहले से पड़गे सहने, ये दर्द जुदाइयों वाले पहले से पड़गे सहने, पहले से पड़गे सहने, पहले से पड़गे सहने। बदलेगा जमा तू जब रे नाम बस मुसीन मेल कराने माता के चमत्कारों को। तो तू बंदे क्या जाने चमत्कारों को, तू बंदे क्या जाने माता के चमत्कारों को, तू बंदे क्या जाने माता के चमत्कारों को, तू बंदे क्या जाने माता के चमत्कारों को, माता के चमत्कारों को, माता के चमत्कारों को, तू बंदे क्या जाने माता के बंदे का जाने माता के चमत्कारों को, तू बंदे का जाने माता के चमत्कारों को, ओ तू बंदे का जाने माता के चमत्कारों को, 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 माता के चमत्कारों को। जय करा मेरी शेरोवाली मैया जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरोवाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरोवाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरोवाली जगदम्बे, मेरी के सामने ही रहना मशरों वाले जगदम्बे, अखियों के सामने ही रहना मशरों वाले जगदम्बे। ओ हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं मैया भूखे हैं हम तो मैया, भूखे हैं हम तो मैया बस तेरे प्यार के, अखियों के सामने ही रहना मशरों वाले जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना।
काम नहीं रहना अजेरो वाले जगजंबे विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ विनती हमारी अब करो मंजूर माँ विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ चरणों से हमको कभी चरणों से हमको कभी करना न दूर माँ अखियों के सामने ही रहना जगदम्बे मेरी अखियों के सामने ही रहना माशेरों वाली जगदम्बे मेरी अखियों के सामने ही रहना माशेरों वाली जगदम्बे मेरी अखियों के सामने ही रहना माशेरों वाली जगदम्बे मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना माँ शेरों वाली जगदम्बे माँ शेरों वाली जगदम्बे आंचल में मुझे छुपा लेना मेरी अखियों जगदम्बे मेरी अखियों के सामने ही रहना माशेरों वाली जगदम्बे हो तुम हो शिव जी की शक्ति मैया शेरों वाली तुम हो शिव जी की शक्ति मैया शेरों वाली तुम हो दुर्गा हो अम्बे मैया तुम हो काली हाँ तुम हो दुर्गा हो मैया तुम हो काली हो बन के अमृत की सदा बहना माशेरों वाली जगदम्बे बन के अमृत की धार सदा बहना माशेरों वाली जगदम्बे हो तेरे बालक को तभी माँ सबर आए तेरे बालक को तभी माँ सबर आए हो तेरे बालक को तभी माँ सबर आए तेरे बालक को तभी माँ सबर आए जहाँ देखूँ मैं तू ही तू नजर आए ओ जहाँ देखूँ मैं तू ही तू नजर आए हो मुझे इसके सिवा कुछ न कहना माशेरों वाली जगदम्बे मुझे इसके सिवा कुछ न कहना माशेरों वाली जगदम्बे हो मेरी अखियों के सामने ही रहना माशेरों वाली जगदम्बे मेरी अखियों के सामने ही रहना माशेरों वाली जगदम्बे हो दे दो भक्तों को भक्ति का दान मैया जी दे दो भक्तों को भक्ति का दान मैया जी हो दे दो भक्तों को भक्ति का दान मैया जी मैं भी गाता रहूं तेरा गुणगान मैया जी मैं भी गाता रहूं तेरा गुणगान मैया जी है भजन तेरा भक्तों का गहना माशेरों वाली जगदम्बे है भजन तेरा भक्तों का गहना माशेरों वाली जगदम्बे हो मेरी अखियों के सामने ही रहना माशेरों वाली जगदम्बे मेरी अखियों के सामने ही रहना माशेरों वाली जगदम्बे हाँ मेरी अखियों के सामने ही रहना माशेरों वाली जगदम्बे मेरी अखियों के सामने ही रहना माशेरों वाली जगदम्बे 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 शेरों वाली मैया जी का मूल सच्चे दरबार आरोड़ से भ्रमित जगण दक्षिण चोट सूत्र वामे हस्त दिभ्यां भय कणकमयम पुस्तकम जन गम्य
सभी न भदंत स्वतर कर जब शास्त्र जन शब्द प्रेरंत दिव्य रूप कर कमल धरा भरती सुप्रसन्न सचिय ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य से संबद्ध 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल शिष्य ऋतु फाल्गुन मास की आज दो प्रविष्टि ही माघ शुक्ल पक्ष आज नौमी तिथि ही बृहस्पतिवार तदनुसार 14 फरवरी सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की पर्वित्र वेला में और विशेषतः इन गुप्त नवरात्र के अवसर पर जो है आज नौमी नवरात्र के अवसर पर माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस समय ये गुप्त नवरात्र चल रहे हैं और गुप्त नवरात्र की आज नौमी है, बड़ा ही उत्तम दिन है। अष्टमी नौमी चतुर्दशी ये माँ भगवती के विशेष दिन होते हैं जिसमें कि भगवती की विशेष पूजा आराधना अर्चना जप पाठ स्नान दान इसका अनंत गुणफल होते हैं। फिर देवी की कृपा से इस शक्ति पीठ पर आकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए पुण्य कर्म करने का तो उस पुण्य का जो है अक्षय फल होते हैं, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। माँ की इसी तरह से आप पर कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पर्वित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान सस्वे भव प्रज्ञान भव भूर्भूत करणे दाने कनिष्ठ भव तेजस्वी भव धैर्य गर्भ दलने व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पंजनरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्त मित्राणाम देश शरीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यमाविदात् शममानम हीयते धनम धान्यम पशुं बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना ताली जाते हैं। ओम जय Oh,
अपने कल्याण के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, सम्मल बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी।
जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। रथ में गुरु जी को वंदना, द्वितीय आचार्य का मेरे कार्य करो हमेश जय आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैं कर जो सुतगड़ी जो चरना दादा Thank you.
Pargam chakra gadeshuta pavaridam chodam vasundin shira avutangam samdagare karishinera karvam jabusha vidam nirashamajjimasapadukashitam seve mahatalikam jamasto savite harukamalajam antam madhutekam akshadar parasam gadeshu parisham परमं धनुष्कुंडिकां दण्डं शक्तिमशिम चर्मजलजं घण्टासुरावाजनं चूलां वाजसुदर्शने जगते हस्ते प्रसन्नायणां सेवे देवमर्दनि महिमः लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहराणि शङ्खं सुरे चक्रं धनुसायकं वक्षादेकर्तिकरान्तविरसः शीता चतुर्या पर्वां धौरी देवसमुद्रवां विजगता आधारभूता महापूर्वा भक्त सरस्वती मनुमते शुम्भादिविप्राजुनि तुमेव माता च पिता तुमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या दैनं त्वमेव त्वमेव सर्वं शान्ताकारं भुजगशरणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुमहाभागं सर्वलोकेशनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णामोदकं पातुदेवं श्रीधरं माधुरं गोपिकाभरणं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रमुने हरे मुरारे मुरारे दुलारे गोविन्द गोपाल मनोहरे राम भगेहि शरणं भगेहि विद्यापदेहि भगवत् नमोस्तुते सच्चिया ज्योता माली माता तेरी सदा पंचपूला रानी माता तेरी सदा चंदा बला कन्न वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा भुला चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा गुफा बिच निवास करने वाली माता तेरी सदा भंकरा भी ठाकुर तेरी सदा बोले सच्चे दरबार की धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो प्राणियों में सद्भाव हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारत वर्ष महान हो भारत वर्ष महान हो भारत वर्ष महान हो हर हर महादेव शुगर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जयकारा शेरावाली दा Thank you.
ਭਾਲੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਆਏਗਾ।